नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोल्ड सोर के बारे में। जो ये टॉपिक है ये पार्ट टू है। पार्ट वन में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कोल्ड सोर क्या होता है, क्या कारण होता है और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखिए, ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे डॉक्टर राहुल त्रिपाठी मेरा पेज है उसको फॉलो करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में कि कैसे डॉक्टर डायग्नोस करते हैं कोल्ड सोर को। जब भी आपके लिप्स पे ब्लिस्टर बन जाता है तो आप क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर उस ब्लिस्टर का एग्जामिनेशन करता है, सबसे पहले कल्चर करा सकता है उसका। अगर डॉक्टर को किसी भी बात का डाउट होता है तो अब ब्लड टेस्ट भी करवाता है, साथ ही साथ एंटीबॉडी टेस्ट भी करवा सकता है। अगर एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर इससे ये पता लगता है कि आपकी बॉडी में कोई वायरस है, क्योंकि जो कोल्ड सोर होता है वो एक वायरस की वजह से होता है, जिसे हम बोलते हैं हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। अब हम बात करते हैं कि कोल्ड सोर का क्या इलाज होता है, ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाने के शौकीन हैं या फिर एसिडिक फूड खाने के शौकीन हैं तो वहीं पे रोक दीजिए। अगर आपको कोल्ड सोर की प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ज्यादा पेन होने लगेगा या फिर बर्निंग सेंसेशन या खुजली जैसे होने लग जाती है। अगर आप एसिडिक फूड या फिर स्पाइसी फूड खा रहे हैं तो आपका पेन और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो प्लीज इसे अवॉइड करिए। आप जो है बर्फ से भी सेकाई कर सकते हैं। आइस जो होता है उसको आप कपड़े में ले लीजिए, 2-3 पीस आइस का रख करके उससे सेकाई कर सकते हैं, या आइस पैक आता है उससे भी आप सेकाई कर सकते हैं। लेमन बाम जो कि आपको बड़ी आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाएगा, जिसे हम बोलते हैं मेलिसा ऑफिशिनालिस, ये जो है हर्ब होता है जो कि मिंट फैमिली का है। इसे आप लिप बाम की तरह भी यूज कर सकते हैं और इसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। मार्केट में बहुत सारे ऑइंटमेंट या जेल आते हैं जिसको यूज करने से आपका जो पेन है वो काफी हद तक कम हो जाएगा, जिसमें लिडोकेन या बेंजोकेन कंपोजिशन होता है, वो चीज आप यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जेल भी अगर आप अप्लाई करते हैं कोल्ड सोर के ऊपर तो आपको काफी आराम मिलेगा। मार्केट में रेडीमेड फॉर्म में भी मिल जाता है। अगर आपके घर में एलोवेरा है तो एलोवेरा की जो पत्ती है उसको तोड़ करके, उसका जो जेल है उसको निकाल करके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा में एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी वायरल प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगर आपको इन सबसे आराम नहीं मिलता है तब डॉक्टर जो है आपको एंटीवायरल मेडिसिन लिखता है, जैसे कि एसाइक्लोविर, फेमीसाइक्लोविर या वैलोसाइक्लोविर। ये जो मेडिसिन होती है सबसे ज्यादा इफेक्टिव तभी होती है जब आप 48 आवर्स के अंदर ही अंदर आप इसे ले ले। वैलोसाइक्लोविर जो होता है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक में बहुत जल्दी ये घुल जाता है और असर भी बहुत जल्दी करता है। बहुत सारे एंटीवायरल ऑइंटमेंट आते हैं जो कि टॉपिकली आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। जब आपको ओरल एंटीवायरल जो मेडिसिन खाने पर आराम नहीं मिलता है तो आईवी इंट्रावीनस एंटीवायरल मेडिसिन भी लगाई जाती हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो कि आपको बहुत जल्दी आराम दे देता है। लेकिन जो ये सब चीजें हैं डॉक्टर ही आपको प्रिस्क्राइब करेगा कि आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। बिना डॉक्टर को दिखाए ये मेडिसिन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रिवेंशन के बारे में, कैसे आप बच सकते हैं कोल्ड सोर से, चलिए जानते हैं। हमारी एक आदत होती है कि जब भी हमारे शरीर में कुछ हो जाता है या घाव हो जाता है, कोई दाना हो जाता है, तो बार बार हम लोग जो है हाथ लगा के उसे चेक करते हैं। तो कोल्ड सोर अगर आपको है तो ये काम बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि कोल्ड सोर एक वायरस की वजह से होता है। हमारा हाथ ऑलरेडी बहुत गंदा होता है क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजें छूते हैं और बिना हाथ धुले हम लोग घाव को भी छूने लगते हैं, जिससे कि आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब भी आप
कोई भी ब्लिस्टर या लीजन छूते हैं तो सबसे पहले अपने हाथ को वॉश कर लीजिए, उसके बाद छूइए, और छूने के बाद भी आप अपना हाथ वापस वॉश कर लीजिए। अगर आपको कोल्ड सोर है तो प्लीज कभी भी कोल्ड सोर जो ब्लिस्टर है, जो दाना है, उसको छूने के बाद अपने आंखों को मत रगड़िएगा। इससे क्या होता है, आपको ऑकुलर हर्पीस इंफेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको ब्लाइंडनेस की भी दिक्कत हो सकती है। जो कोल्ड सोर है ये कंटेजियस होता है, हाईली कंटेजियस होता है, मतलब कि एक आदमी से दूसरे आदमी में बहुत जल्दी फैलता है। तो प्लीज क्लोज कॉन्टैक्ट को अवॉइड करिएगा, टॉवल मत यूज करिए, लिप बाम मत शेयर करिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे में बिल्कुल भी शेयर मत करिए, क्योंकि ये हाईली कंटेजियस होता है, बहुत जल्दी स्प्रेड करता है। अगर आप धूप में बहुत ज्यादा रहते हैं तो सन बर्न एक कारण होता है, जिसकी वजह से भी आपकी बॉडी में अगर वायरस है वो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। तो आप क्या करिए, अगर आपको काम धूप में करना है तो सनस्क्रीन भी आप यूज कर सकते हैं, इसको यूज करने के बाद जो है आप धूप में निकलिए, लेकिन जहां तक हो सके आप उसे अवॉइड करिए, सन बर्न होने मत दीजिए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव या अच्छा लगा होगा। यहां तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिए जितना ज्यादा ये वीडियो हो सकता है। साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन दबाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फेसबुक पे डॉक्टर राहुल त्रिपाठी मेरा पेज है, उसे फॉलो कर लीजिए। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, और आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में। तब तक की बाय बाय, जय हिंद। Oh,